और हम लोग हमेशा से ये अस्यूम करते आए हैं कि अगर हम यूनिवर्स के किसी भी दूसरे प्लैनेट पर अपने पैर रखेंगे तो वहाँ की हाई ग्रेविटी, हाई टेंपरेचर, हाई प्रेशर और साथ ही बैड एटमॉस्फेयर की वजह से हम मिनटों में ही तबाह हो जाएंगे, हम वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बट व्हाट इफ मैं कहूँ यूनिवर्स में ऐसे भी प्लैनेट्स मौजूद हैं जिनका एनवायरनमेंट हमें तबाह करना तो दूर, आपकी सेहत इतनी तंदुरुस्त हो जाएगी कि आपको ऐसे महसूस होने लगेगा कि मे बी आपको सुपर पावर्स मिल गए। एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, रिसेंटली साइंटिस्टों को ऐसे कई सारे हैबिटेबल प्लैनेट्स मिले हैं जो सभी मायनों में अर्थ से कई गुना ज्यादा बेटर है। इन प्लैनेट्स पर लाइफ बहुत ही रैपिडली और बहुत ही लंबे अरसे तक के लिए इवॉल्व हो सकती है। तो आखिर कौन से हैं ये प्लैनेट्स? वेल, लेट्स फाइंड दिस आउट टुडे। सो गाइस, यू नो एंटायर नोन यूनिवर्स में अर्थ इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिस पर सिंपल लाइफ फॉर्म से लेकर कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कितने भी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहने के कैपेबल है, वो इवॉल्व हुए हैं और हो रहे हैं। सो ये सब देखकर जाहिर सी बात है हम अर्थ को इकलौता या एक यूनिक ग्रह मानते हैं। बट कई सारे रिसर्चर्स का ये कहना है कि ऐसे कई सारे दूसरे प्लैनेट्स हो सकते हैं जिनके एनवायरनमेंट अर्थ के एनवायरनमेंट से भी ज्यादा फेवरेबल, यानी कि अच्छे हो। पर क्योंकि हम पृथ्वी पर रह रहे हैं और इसीलिए इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर बेटर प्लैनेट्स हम अपना पूरा का पूरा वर्क अर्थ के मिरर इमेज ढूंढने में ही लगा रहे हैं, व्हिच इज टोटली रॉन्ग। और इसीलिए 5th अक्टूबर 2020 में वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी एंड द टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन के एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट डर्क शुल्ज़ मकूच ने एक नए मिशन की शुरुआत की। इस मिशन के जरिए उन्होंने ऐसे प्लैनेट्स को अपना टारगेट बनाया जो हमारे पृथ्वी से सभी मायनों में बेहतर। एंड यू वोंट बिलीव, उन्हें ऐसे प्लैनेट्स मिले भी, और वो भी एक या दो नहीं बल्कि पूरे 24 सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स। सो बेसिकली शुल्ज़ मकूच और उनकी टीम ने इन प्लैनेट्स को खोजने के लिए एक अलग ऑब्जर्वेशन करने का तय किया, और इसके लिए उन्होंने क्राइटेरियाज की एक लिस्ट बनाई। और अगर कोई भी प्लैनेट्स उन क्राइटेरियाज को फॉलो नहीं कर रहा था, दैट मींस वो प्लैनेट सुपर हैबिटेबल नहीं था। सो दिस वाज अ सिंपल वे हाउ दे वर फिल्टरिंग द प्लैनेट्स। एंड नाउ यू टेल मी, किसी भी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए कौन सी चीज की जरूरत सबसे ज्यादा होती है? एक सूटेबल टेंपरेचर, अच्छा एटमॉस्फेयर, पानी और बड़ा सा लैंड सरफेस एरिया, राइट? और बस इन्हीं सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्राइटेरियाज तय कराए, जिसमें से सबसे पहला क्राइटेरिया था एज ऑफ होस्ट स्टार। नॉर्मली जब एक्सोप्लैनेट्स को एक्सप्लोर किया जाता है तब साइंटिस्ट का मेन फोकस होता है येलो ड्वार्फ स्टार्स, यानी कि सन जैसे स्टार्स को ढूंढना। पर इस बार शुल्ज मकूच की टीम ने येलो ड्वार्फ के साथ साथ ऑरेंज ड्वार्फ स्टार्स को भी अपना टारगेट बनाया, विच आर कूलर, डिमर एंड लेस मैसिव। और ऐसा करने के पीछे मेन एडवांटेज था उन स्टार्स का लाइफ स्पैन। दरअसल यूनिवर्स में जितने भी येलो ड्वार्फ्स हैं उनका लाइफ स्पैन 10 बिलियन साल तक ही होता है, और उन स्टार्स के कंपैरिजन में ऑरेंज ड्वार्फ्स 2 गुना ज्यादा साल तक जीते हैं, यानी कि 20 से 50 बिलियन सालों तक। और इसका मतलब सिंपल था, अगर इस प्लैनेटरी सिस्टम में कोई भी लाइफ इवॉल्व होगी तो वो अर्थ के मुकाबले 2 या 3 गुना ज्यादा समय तक इवॉल्व हो सकती है पोटेंशियली। बट दैट इन नो वे मींस कि स्टार्स को हमेशा ज्यादा ओल्डर ही होना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली ओल्डर प्लैनेट्स की इंटीरियर जियोथर्मल एनर्जी वक्त के साथ साथ ठंडी हो जाती है और मैग्नेटिक फील्ड को लूज कर देती है। एनीवे, अब बढ़ते हैं सेकंड क्राइटेरिया की ओर, व्हिच इज वाटर। वेल, जैसे एक प्रॉपर प्लैनेटरी सिस्टम मिल जाता है तो सबसे पहला काम होगा उस प्लैनेट और उसके होस्ट स्टार्स के बीच के डिस्टेंस को मेजर करना। इससे इस चीज के बारे में हमें पता लग सकता है कि वो प्लैनेट हैबिटेबल जोन में है या नहीं, सो दैट इस चीज का पता लगाया जा सके कि उस पर्टिकुलर प्लैनेट पर वाटर परसेंटेज कितना होगा। अब इस क्राइटेरिया के लिस्ट का थर्ड फैक्टर था द साइज एंड मास ऑफ प्लैनेट्स। बट अगर हम अर्थियंस की बात करें तो वैसे भी हमारी कोई यूनिवर्सल लैंग्वेज नहीं है, जिसकी वजह से हम एक लैंग्वेज बैरियर फेस करते हैं। और इसे एलिमिनेट करने के लिए आप जितने ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेजेस सीख सकते हो उतना ज्यादा एडवांटेज आपके करियर को मिलता है। प्लस रिसर्चेस के अनुसार आपका दिमाग भी ज्यादा शार्प होता है। इसके साथ नई लैंग्वेजेस को सीखकर आप दूसरों के कल्चर और हिस्ट्री के बारे में भी जान सकते हैं। इंटरेस्टिंगली, नई लैंग्वेजेस को सीखने के लिए हमें कोई महंगे बोरिंग कोर्सेस में अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज डुओलिंगो पर आप ये सीख सकते हो बिल्कुल फ्री और एंटरटेनिंग मैनर में। डुओलिंगो वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर फ्री लैंग्वेज लर्निंग ऐप है, जहां पर आप फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश जैसे 40+ लैंग्वेजेस को सीख सकते हो थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज, और वो भी बस दिन के बस 10 मिनट देकर। अगर आपको इंग्लिश की प्रॉब्लम है तो डुओलिंगो में इंग्लिश सीखना बस किसी गेम खेलने जैसा आसान है, क्योंकि ये ऐप फोकस करता है आपके स्पीकिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग स्किल्स पर। प्लस यहां पर सिर्फ 2 एक्सरसाइजेस करके आप बन सकते हो प्रोफिशिएंट इन एनी लैंग्वेज। इनफैक्ट यहां आपको वैरायटी ऑफ टॉपिक्स जैसे ट्रैवल एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ लैंग्वेज सिखाया जाए। तो देर किस बात की है, जाओ डाउनलोड करो डुओलिंगो ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन, बात करते हैं हैबिटेबल प्लैनेट्स ढूंढने के क्राइटेरिया नंबर 3 की, जो है साइज एंड मास ऑफ प्लैनेट्स। रिसर्चर्स के अनुसार किसी भी प्लैनेट का मास और साइज लाइफ को इवॉल्व होने में इन्फ्लुएंस कर सकता है। बेसिकली उनका कॉन्सेप्ट काफी सिंपल था, जितना बड़ा साइज उतना बड़ा हैबिटेबल सर्फेस एरिया। एंड नॉट जस्ट दिस, जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा ग्रेविटी भी, और अगर ग्रेविटी ज्यादा यानी पोटेंशियली अ थिकर मोर स्टेबल एटमॉस्फेयर। बट देयर इज आल्सो वन कंडीशन, प्लैनेट्स का मास अर्थ के मास के कंपैरिजन में सिर्फ 1.5 या 2 गुना ज्यादा बड़ा होना चाहिए, ताकि प्लैनेट का इंटीरियर लंबे समय के लिए हीटेड रहेगा और ये हॉट इंटीरियर कोर को मोल्टन रखने में हेल्प करेगा, और इसी की वजह से उस प्लैनेट के अराउंड ज्यादा समय के लिए प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड एक्टिव रहेगी, एंड हेंस लाइफ माइट हैव अ चांस टू अराइज एंड इवॉल्व। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था टेंपरेचर, जो ऑब्वियसली बात है, क्योंकि अगर किसी भी प्लैनेट का टेंपरेचर ही ज्यादा होगा, यानी इनडायरेक्टली उसका प्रेशर भी ज्यादा होगा, और एक्सट्रीम टेंपरेचर में सर्वाइव करना इज लाइक गरम तेल में हाथ डालना। और इसीलिए साइंटिस्ट ऐसे प्लैनेट्स पर फोकस करते हैं जिनका एवरेज सरफेस टेंपरेचर अर्थ के सरफेस टेंपरेचर से 5 डिग्री सेल्सियस से कम या ज्यादा होता है। वेल, इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि अगर मैं अर्थ के ट्रॉपिकल रीजन के टेंपरेचर की बात करूं तो वहां पर पनप रहे माइक्रोब्स मोस्टली इन्हीं एक्सट्रीम टेंपरेचर्स में सर्वाइव करते हैं। अब इन्हीं सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्टों को 24 एक्सोप्लैनेट्स को ऑब्जर्व करने में सफलता तो मिली है, लेकिन अभी भी इन प्लैनेट्स पर रिसर्चेस जारी है। और इन्हीं प्लैनेट्स में से उन्हें ऐसे 2 सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स मिले हैं जिनका सरफेस टेंपरेचर और एटमॉस्फेयर अर्थ के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर है, और वो 2 प्लैनेट्स हैं KOI 5715.01 और KOI 5544.01। साइंटिस्टों के अनुसार ये दोनों ऐसे प्लैनेट्स हैं जिस पर हर एक पॉसिबल चीज मौजूद है, जो कि लाइफ को एज वी नो इट इवॉल्व होने के लिए नेसेसरी है। इन शॉर्ट, ये दोनों प्लैनेट्स लाइफ के एवोल्यूशन के लिए परफेक्ट प्लैनेट्स हैं। पहला प्लैनेट है KOI 5715.01, एक ऐसा प्लैनेट जिसका सरफेस टेंपरेचर अर्थ के सरफेस टेंपरेचर के मुकाबले 2.4 डिग्री सेल्सियस से कम है। साथ ही इस प्लैनेट का मास अर्थ से 7 times ज्यादा है और साइज 8 times ज्यादा है। दैट शोस लैंड का सरफेस एरिया भी ज्यादा है, और ज्यादा मास की वजह से ग्रेविटी भी ज्यादा है। और इन्हीं सब फैक्टर्स की वजह से उस प्लैनेट का
एटमॉस्फेयर भी काफी स्टेबल है। अगर वाटर सोर्सेज की बात करूं तो होस्ट स्टार और प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस देखते हुए साइंटिस्टों ने अनुमान लगाया कि वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में वाटर सोर्सेज अवेलेबल है, व्हिच इज अ ग्रेट थिंग। और अब बात रही KY5554.01 की, तो इस प्लैनेट का सरफेस टेंपरेचर 27 डिग्री सेल्सियस जितना है, यानी परफेक्ट फॉर ह्यूमन बॉडी टू सर्वाइव। इनफैक्ट इस प्लैनेट में हो रहे टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट्स की वजह से यहां कंटीन्यूअसली नाइट्रोजन साइकिल शुरू है। और जैसे कि हम जानते हैं नाइट्रोजन साइकिल अर्थ के लिए काफी एसेंशियल है, क्योंकि बायोकेमिकल प्रोसेस की मदद से नाइट्रोजन मल्टीपल केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जैसे कि अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स एंड इवन आवर डीएनए, व्हिच इनडायरेक्टली आल्सो हेल्प्स अस टू क्लीन अप द एनवायरनमेंट। सो जितना ज्यादा नाइट्रोजन होगा उतना इकोसिस्टम तेजी से इवॉल्व होगा और इनडायरेक्टली एटमॉस्फेयर भी क्लीन होगा। लेकिन क्योंकि इन्हें हाल ही में डिटेक्ट किया गया है, इसीलिए अब तक इन प्लैनेट्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन साइंटिस्टों के पास भी नहीं है। बट जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से अभी भी इस पर रिसर्च शुरू है। पर इन दो प्लैनेट्स को छोड़कर ऐसे भी कई प्लैनेट्स हैं जो अर्थ के मुकाबले ज्यादा हैबिटेबल है, एक्सट्रीमली ज्यादा नहीं बट काफी ज्यादा। तो चलो देखते हैं कि इस कैटेगरी में आखिर कौन कौन से प्लैनेट्स फॉलो होते हैं। पहला है LHS 1140, अ वेरी सेल्फ कॉन्ट्रोडिक्टिंग प्लैनेट। दरअसल इस प्लैनेट को 20th अप्रैल 2017 में M Earth प्रोजेक्ट के दौरान ट्रांजिट मेथड के जरिए डिस्कवर किया था। बेसिकली M Earth प्रोजेक्ट एक रोबोटिक लेबोरेटरी है और ये लेबोरेटरी रेड ड्वार्फ स्टार्स के ब्राइटनेस को ऑब्जर्व करती है, जिसका मेन गोल है फाइंडिंग ट्रांजिशनिंग प्लैनेट्स, यानी वो प्लैनेट्स जो रेड ड्वार्फ्स के सामने से गुजर रहे। अब क्योंकि रेड ड्वार्फ्स स्मॉल होते हैं और इसलिए अगर कोई भी प्लैनेट इनके सामने से गुजरता है तो वो प्लैनेट का लार्जर पोर्शन कवर कर लेता है। इसी मेथड से इस प्लैनेट को भी डिस्कवर किया गया। डिस्कवरी के बाद जब इस प्लैनेट के सर्फेस को स्टडी किया गया, तब ये बात सामने आई इस प्लैनेट के आयरन निकल कोर ने इस पूरे प्लैनेट के 75% लैंड मास को ही कवर किया है इन द फॉर्म ऑफ लावा। लेकिन असली ट्विस्ट तो ये है कि लैंड मास गर्म तपते लावा का होने के बावजूद साइंटिस्ट को इसके कोर के नीचे 4% पानी मिला है, और उनके अनुसार यहाँ कंप्लीट लैंड मास के नीचे और भी भारी मात्रा में पानी मौजूद है। और इससे कई सारे एस्ट्रोनॉमर्स ने यह भी अनुमान लगाया है कि देयर कुड इवन बी एन अंडरग्राउंड वाटर वर्ल्ड। एंड नॉट जस्ट दिस, पर अगर मैं इसके एटमॉस्फेयर की बात करूं तो इसके मैसिवनेस की वजह से यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट ने एटमॉस्फेयर के साथ एक अच्छा बैलेंस बनाए रखा है। पर नेक्स्ट प्लैनेट तो ऐसा है कि साइंटिस्टों को वो इतना हैबिटेबल लग रहा है कि उन्होंने उस प्लैनेट पर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की जांच पड़ताल करने के लिए कई सारे मैसेजेस भी भेज रखे हैं, और वो प्लैनेट है लुइजन बी। 17th मार्च 2017 में इस प्लैनेट को रेडियल वेलोसिटी मेथड की मदद से डिस्कवर किया गया। बेसिकली रेडियल वेलोसिटी मेथड में होता यह है कि दूसरे स्टार्स के रिस्पेक्टिव किसी एक स्टार की पोजीशन को ऑब्जर्व किया जाता है। अगर स्टार की पोजीशन कंटीन्यूअसली आगे पीछे हो रही हो, उसका मतलब उस सिस्टम में कोई तो मैसिव प्लैनेट एग्जिस्ट करता है जो उस स्टार को ग्रेविटेशनली इन्फ्लुएंस कर रहा है। सो जब इस प्लैनेट को ऑब्जर्व किया गया था, तब इस प्लैनेट के पोजीशन को स्टडी करते हुए ऐसा नोटिस किया गया था कि इस प्लैनेट पर वाटर कंटेंट बहुत ही भारी मात्रा में प्रेजेंट है। इनफैक्ट यहां पर किसी भी लाइफ के लिए एसेंशियल मटेरियल्स लाइक अमीनो एसिड्स एंड हाइड्रोकार्बन्स भी भारी मात्रा में प्रेजेंट है। इन शॉर्ट दिस प्लैनेट सीम्स टू बी जस्ट परफेक्ट। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि इस प्लैनेट के परफेक्शन के पीछे की मेन वजह होगी कोई एडवांस्ड सिविलाइजेशन। और इसीलिए अक्टूबर 2017 और 2018 में मैसेजिंग एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस और मेटी ऑर्गेनाइजेशन ने अलग-अलग मैसेजेस इस प्लैनेट पर भेजे हैं, और उनमें से एक मैसेज था शॉर्ट म्यूजिकल कंपोजिशन और दूसरा मैसेज था साइंटिफिक ट्यूटोरियल अबाउट आवर लोकेशन इन द यूनिवर्स। इंटरेस्टिंग, राइट? सो दैट मींस अगर लुइजन बी पर इंटेलिजेंट लाइफ प्रेजेंट है, देन वी विल श्योरली नो वन डे। अब फ्रेंड्स, ये सब सुनकर आपको एक अंदाजा तो लग रहा होगा कि साइंटिस्ट किस लेवल पर काम कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि साइंटिस्ट लोग इतने एप्रोप्रिएटली खोजबीन नहीं कर रहे हैं दूसरे प्लैनेट्स की, एलियंस की, एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ की एटसेट्रा। बट ट्रस्ट मी, बड़े स्केल पर ये सब काम होता है। साइंटिस्ट आर एक्सट्रीमली क्यूरियस अबाउट व्हाट इज आउट देयर इन द यूनिवर्स। सो एनीवे, ये सब तो हमने बात की यूनिवर्स में मौजूद कुछ सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स की। पर यू वोंट बिलीव, हमारे सोलर सिस्टम में भी एक ऐसा सेलेस्टियल बॉडी है जो कि सुपर हैबिटेबल कैटेगरी में आता है। एंड नो, आई एम नॉट किडिंग, और मैं प्लैनेट की भी बात नहीं कर रहा हूं। जस्ट लुक एट दिस, ये है कैलिस्टो, द सेकंड लार्जेस्ट मून ऑफ जुपिटर। इस इमेज में आपको ये व्हाइट स्पॉट दिखाई दे रहा है? वेल, इट इज एक्चुअली आइस। डू यू नो, सबसे पहले इस मून को डेड इनएक्टिव रॉकी बॉडी घोषित किया गया था, पर 1990s में ये साबित हुआ कि कैलिस्टो के आइसी सरफेस के नीचे सॉल्टी ओशन प्रेजेंट है, और बहुत ही जल्द इस ओशन वाटर को रॉकेट प्रोपेलेंट बनाने के प्रोसेस में यूज किया जाने वाला है। और सिर्फ यही नहीं, एस्ट्रोनॉमर्स ने इस मून के ऊपर एक एटमॉस्फेयर को भी डिटेक्ट किया है, और उनका स्पेकुलेशन है कि ह्यूमंस इस मून पर बड़ी आसानी से सांस भी ले पाएंगे। बट बस यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जुपिटर से आ रहा हाई अमाउंट ऑफ रेडिएशन। अगर हमने बस इसका हल निकाल लिया, देन कैलिस्टो हैज ऑल द इंग्रेडिएंट्स टू बी अ सुपर हैबिटेबल प्लैनेट, अ ग्रेट एटमॉस्फेयर, वाटर, लो ग्रेविटी, एवरीथिंग। तो अब आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, क्या मार्स के बाद कैलिस्टो एक नई ह्यूमन कॉलोनी बन सकती है इन द फ्यूचर? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में।